Assalamualaikum class 7, welcome to your classes. How are you? I hope you are all will be fine. Okay, today we continue our unit number 1, human organ system, and it's today our lesson is number 4. Okay, our chapter name is human organ system. Okay, today we are cover these topics in this lesson are lungs, mechanism of breathing, internal respiration or cellular respiration. Okay students, आज हम क्या करेंगे, पहले हम लोग इससे पहले जो कवर कर चुके थे रिस्पायरेशन के बारे में, क्या हम लोगों ने उसके 4 पार्ट कवर किए थे, नोज, लैरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाइट्स. उससे पहले हम जब सांस लेते हैं तो नाक के ज़रिए, नाक के बाद वो कहाँ जाता है, आपकी लैरिंग्स से गुजरता हुआ ट्रेकिया में इंटर होता है, ट्रेकिया से इंटर होते हुए वो आपके ब्रोंकाइट्स में और फिर लंग्स में इंटर होता है. आज हम अपना टॉपिक देखेंगे लंग्स. लंग्स आर अ पेयर ऑफ होलो स्पंजी organs located in the chest cavity on either side of the heart. Lungs आपके पास दो pairs में प्रेजेंट रहते हैं, फेफड़ों को कहते हैं हम. ये आपके पास होलो से हल्के से और स्पंजी मीन्स नरम सा एक ऑर्गन होता है जो आपकी सीने की जो चेस्ट कैविटी है, सीने की जो हिस्सा है उससे थोड़ा नीचे और हार्ट हार्ट की दोनों तरफ हार्ट की एक साइड पर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, हार्ट से थोड़ा सा नीचे हार्ट कर. ठीक है, लंग्स आर कनेक्टेड टू अ फेरिंग्स बाय द ट्रैकिया. और आपके पास जो लंग्स होते हैं वो किस तरह कनेक्ट होते हैं आपके पास आपकी बॉडी के साथ. लंग्स आर कनेक्टेड टू अ फेरिंग्स, ये फेरिंग्स से ट्रैकिया के साथ अटैच हुए होते हैं. ईच लंग्स कंसिस्ट ऑफ अराउंड 700 billion एल्वोलाई. वट इज़ द एल्वोलाई? हम इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था एल्वोलाई को हमने कवर किया था कि जहाँ पर आपके पास इट इज़ अ सैग, ये वो हिस्सा है जहाँ पर आपके पास गैसेस एक्सचेंज करती हैं, एक्सचेंज होती हैं. ठीक है ना, एक्सचेंज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एल्वोलाई. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर इन साइड द एल्वोलाई विच आर सराउंडेड बाई ब्लड कैपिलरीज. और वो कहाँ अटैच होती हैं? आपकी ब्लड कैपिलरीज के साथ, खून की रगों के साथ, शरियानों के साथ. ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, ये तो लास्ट पार्ट था हमारे पास आपकी रिस्पायरेटरी सिस्टम का. नेक्स्ट आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के. अब हमारे पास ये जो ब्रीथिंग का अमल है ये वजूद में के साथ है, इसमें होता क्या है? द ब्रीथिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ राइथमिक इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन थ्रू आउट द लाइफ. ये वो प्रोसेस है हमारा जिसमें हम सांस अंदर लेके जाते हैं और बाहर निकालते हैं, और इस ये क्या है, जब तक हम जिंदा हैं ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा. इसमें हम क्या करते हैं, हवा को, सांस को अंदर लेके जाते हैं और बाहर निकालते हैं. डायफ्राम इज़ अ वेरी थिक डोम शेयर्ड मस्कुलर मेम्ब्रेन. अब इसके अलावा आपको मैंने पिछले लेसन में डायफ्राम भी दिखाया था. ये आपके पास क्या है, एक डोम शेप का, जैसा आप ये मस्जिद के ऊपर जैसा गुंबद से नहीं बनना होता गोल सा, इस तरह करके इस टाइप का ये आपके पास शेप में होता है. और ये मस्कुलर मेम्ब्रेन है, एक मसल्स टाइप की, झिल्ली टाइप की मेम्ब्रेन सी होती है जो आपके पास आपके सीने के हिस्से को और पेट के हिस्से को सेपरेट करती है, विच सेपरेट द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी. इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. और इसके अलावा ये किसने मदद करती है, ब्रीथिंग के प्रोसेस में, आपके सांस लेने के जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करती है. नेक्स्ट आपके पास इसके दो हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, एक इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन. इन्हेलेशन में क्या होता है, विच वी इन्हेल व्हेन वी इन्हेल, जब हम अंदर लेके जाते हैं ठीक है सांस को, द मसल बिटवीन द रिब्स, आपके जो मसल्स होते हैं, आपके जो पट्टे होते हैं बिटवीन द रिब्स, आप रिब्स को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं. एंड द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, आप द
तो आपकी जो पसलियाँ होती हैं, इसके अलावा डायाफ्राम यूज क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ा हुआ होता है तो एक्सपेंड हो जाता है चेस्ट कैविटी सीने की हिस्से की तरफ। द डायाफ्राम बिकम फ्लैट एंड मूव डाउनवर्ड। और जो आपका डायाफ्राम होता है उसमें क्या होता है, अंदर की तरफ हम लेके जा रहे हैं ना सांस, तो हम खींच रहे हैं उसको, तो वो सब क्या है, आपकी जो डायाफ्राम है वो फ्लैट हो जाती है और मूव हो जाती है डाउनवर्ड, दोबारा से अपने असली हिस्से में वापस आ जाती है। एट दिस टाइप द रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आपके जो, अब आप सांस लें तो आपको खुद पता चलेगा जो आपकी क्या नाम है, हड्डियाँ छाती है वो अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या होता है आपके पास, मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स केज। आपकी ये जो रिब्स केज होता है ये अपवर्ड ऊपर की तरफ हो जाता है या बाहर की तरफ फिर निकल आता है। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज। और आपकी जो सीने का हिस्सा होता है इसकी जो चेस्ट कैविटी थी ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एंड लंग्स एक्सपेंड, और आपके जो लंग्स होते हैं वो भी फैल जाते हैं, फिफड़े, ठीक है। व्हेन द लंग्स एक्सपेंड, और जब आपके लंग्स जो होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं, फैलते हैं, द एयर प्रेशर इन द थॉरिक्स डिक्रीज। और आपका जो एयर प्रेशर होता है थॉरिक्स की तरफ, सीने की तरफ, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज, कम हो जाता है। एंड इमिडिएटली द एयर फ्रॉम आउटसाइड रश इन टू द लंग्स, और आपकी जो हवा होती है वो जल्दी से अंदर की तरफ आ जाती है थ्रू द नोज एंड माउथ, जो आपने मुंह और नाक के जरिए अंदर की होती है। अब एक्सहलेशन बाहर निकालने का प्रोसेस, अब हम इसको बाहर की तरफ करेंगे। एक्सहलेशन में क्या होता है, व्हेन वी एक्सहेल द डायफ्राम एंड मसल बिटवीन द डायफ्राम एंड द रिब्स रिलैक्स। इसमें आपके पास जो मसल्स होते हैं डायफ्राम के और रिब्स आपकी जो हड्डियाँ होती हैं छाती की, वो क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं एंड कम इनटू रेस्टिंग पोजीशन। आपने जो सांस लेकर उनको अपनी तरफ खींचा था, आप वो दोबारा से अपनी रेस्टिंग पोजीशन में, अपनी असली हालत में वापस आ चुकी हैं। द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीज। आपके जो सीने का वॉल्यूम था वो क्या हो जाएगा, जो बढ़ा हुआ था उसका जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा। ऑन द एल्वोलाई इंक्रीज, और अब यहाँ पर एल्वोलाई जो आपकी एल्वोलाई जहाँ पर आपकी गैसेज एक्सचेंज हो रही थी उसका जो वॉल्यूम है अब इंक्रीज होगा। द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, अब आपके जो फिफड़े हैं वो सिकुड़ जाएंगे। एंड पुश द एयर आउट थ्रू द ट्रकिया। पहले आपका ऊपर वाला हिस्सा जो था वो कॉन्ट्रैक्ट था, और नीचे वाला किसमें, जो आपके फिफड़ों का हिस्सा था वो कंट्रैक्शन में था, ठीक है। लेकिन अब जो है ये आपके जो फिफड़ों का हिस्सा है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपका रिलैक्सेशन में आ जाएगा। जो हवा आप अंदर की तरफ लेके गए थे अब वो क्या हो जाएगी, जिसकी अब हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर बाहर निकल आएगी। ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग इज़ द प्रोसेस वेयर एयर गैसेस मूव इन एंड आउट फ्रॉम बॉडी। ब्रीथिंग हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हवा को अंदर से बाहर लेके जाते हैं। इसको उसका दूसरा नाम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन भी कहलाते हैं। सबसे पहले एयर को इनहेल करते हैं, आपका जो रिब केज होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। एंड मसल कॉन्ट्रैक्ट, और आपके जो मसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये आपके पास आप देख सकते हैं जहाँ पर ये एरो का निशान नजर है, डायग्राम कॉन्ट्रैक्ट मूव डाउन, और आपका जो डायग्राम होता है वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होके वापस अपनी असल हालत में आ जाता है। व्हेन प्रेशर इज लंग डिक्रीज एयर रश इन, और जब आपके लंग्स का प्रेशर डिक्रीज होता है तो हवा क्या हो जाती है, अंदर की तरफ दाखिल हो जाती है। इसके बाद क्या है, आपकी एक्सपायरेशन में एयर एक्सहेल्ड, हवा आपने बाहर निकाली, रिब केज गेट स्मॉलर, आपका जो रिब केज है वो दोबारा से छोटा हो गया। एंड रिब्स मसल रिलैक्स, और मसल रिब्स क्या करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। व्हेन प्रेशर इज लंग इंक्रीज एयर इज़ पुश्ड आउट, और आपके जब फेफड़ों का जो प्रेशर है उसके ऊपर जो जोर था वो इंक्रीज होगा तो हवा जो होगी वो क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी। और अब आपके डायफ्राम अगेन दोबारा से मूव अप हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इंटरनल रिस्पायरेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन
ठीक है, एवरी सेल ऑफ द बॉडी नीड एनर्जी फ्रॉम इट्स एक्टिविटी। हर जो आपकी बॉडी का हिस्सा है उसको क्या है, किस क्या ज़रूरत होती है, अपनी हर काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, अपने मुख्तलिफ कामों को सर अंजाम देने के लिए। द एनर्जी इज प्रोवाइडेड व्हेन द ऑक्सीजन एंड फूड मॉलिक्यूल रिएक्ट विद ईच अदर विद इन द सेल। और ये सब आपकी अब रिस्पायरेशन और आपकी जो ब्रीथिंग प्रोसेस है किसके अंदर हो रहा है, सेल्स के अंदर। एनर्जी क्यों चाहिए होती है, ऑक्सीजन के ज़रिए, और फूड्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं सेल्स के अंदर और आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन इज स्लो प्रोसेस। जो सेलुलर रिस्पायरेशन है आपके जो सेल्स के अंदर सांस होने का अमल है, ये कैसा प्रोसेस है, ये बहुत स्लो है। आपकी जिस तरह हम एकदम सांस लेते हैं अंदर लेके जाते हैं, जो आपकी ब्रीथिंग प्रोसेस है उससे थोड़ा स्लो होता है। विच अकर इन द बॉडी टेम्परेचर, और ये आपकी बॉडी टेम्परेचर के ऊपर मयसर होता है। द ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द ब्लड, इसके बाद जब ऑक्सीजन जो होती है डिफ्यूज़ हो जाती है, डिफ्यूज़ आपको पता है फैलने का प्रोसेस, फैल जाती है आपकी बॉडी में, एक से दूसरी जगह चली जाती है थ्रू ब्लड, किसके ज़रिए, ब्लड के ज़रिए इन द एल्वोलाई लंग्स। और ये कौन लेके जाता है, एल्वोलाई जो होते हैं आपके जो लंग्स में प्रेजेंट थे, एयर सैक्स थे, वो आपके ब्लड में इसको पहुँचाते हैं, फैला देते हैं। व्हाइल फूड गेट इनटू द ब्लड थ्रू कैपिलरीज इन द विलाई एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, और आपका जो फूड होता है वो कहाँ से हासिल, ब्लड के ज़रिए इसको हासिल किया जाता है, जो कैपिलरीज विलाई के अंदर डाइजेस्ट हो रहा था, जहाँ पर वो सेविंग उसकी जो फूड की होती है। हम लोगों ने ये प्रोसेस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में किया था कि आपके जो विलाई होता है जहाँ पर सारा आपका मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं, डाइजेस्ट किए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पर आपकी जो वहाँ से एनर्जी इकट्ठी की जाती है। दिस ब्लड टेक द फूड एंड ऑक्सीजन टू ईच सेल्फ ऑफ द बॉडी, और अब ये जो ब्लड होता है ये फूड और ऑक्सीजन ले लेगा पूरी बॉडी के लिए सेल्स में से। वेयर दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड रिलीज एनर्जी, और फिर ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे। आपके पास यहाँ क्या प्रोसेस होगा, फूड प्लस ऑक्सीजन। हमने क्या किसके लिए, एक ऑक्सीजन हमने ली, ठीक है, बाहर से जो हम सांस अंदर लगे गए ऑक्सीजन अंदर गई, और फूड जो हमने खाने के ज़रिए लिया। अब ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हैं, एक्सहेल करते हैं, और इसके अलावा वाटर बनता है इस रिएक्शन में केमिकल, प्लस एनर्जी, और क्या बनती है, हमें एनर्जी मिलती है। द ब्लड लीविंग द सेल, और जब आपकी जो ब्लड होता है वो सेल को लीव कर देता है, कंटेन्स एक्स्ट्रा वाटर, उसके अलावा वो क्या प्रोवाइड करता है आपको, एक्स्ट्रा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दिस ब्लड रीच इन द लंग्स, और अब ये सब कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू एयर फ्रॉम द लंग्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो फेफड़ों के ज़रिए गुजरती हुई हवा में से जब हम सांस बाहर की तरफ निकालेंगे तो ये क्या होगा, बाहर निकल आएगा। तो सिंपली हमारे पास क्या प्रोसेस है, ब्रीथिंग का इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन, रिब केज क्या है, यहाँ पर आपकी जो डायफ्राम है देख लें, फ्लैटन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऊपर की तरफ, थोड़ा सा फैल गया, और आपकी जो सीना है वो थोड़ा सा लंग्स जो होंगे बड़े हो जाएंगे, किस लिए, उनको जगह मिल गई है फैलने के लिए, आपके रिब केज भी थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसके बाद अब यहाँ क्या है, एयर इन हुई है। इंसुलेशन के प्रोसेस में एयर हमने निकालनी है बॉडी से बाय, तो क्या होगा ये देख सकते हैं आप, आपके लंग्स दोबारा से छोटे हो गए हैं, रिब केज दोबारा से अपनी वापस हालत में आ गया, स्मॉलर हो गया, और डायफ्राम भी रिलैक्स हो गए हैं, मूव अपवर्ड, वापस की तरह मूव हो गए हैं। के एक्सरसाइज क्वेश्चन क्लास, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, द मेन ऑर्गन इन्वॉल्व इन देयर फंक्शन। आपने रिस्पायरेशन बताना है कि प्रोसेस क्या होता है और इसके मेन प्रोसेस, हमारे पास मेन फंक्शन क्या क्या है। आप केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज और अदर फूड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट
प्रोसेस बाय विच बॉडी टेक इन लाइफ सेविंग ऑर्गन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। फॉलोइंग आर मेजर रिस्पायरेटरी सिस्टम आर नोज। द नोज कंसिस्ट ऑफ टू कैविटीज कॉल्ड नोस्ट्रल्स। द नोस्ट्रल रिमेन मॉइस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। द हेयर इन द नोस्ट्रल कैप्चर डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर इनहेल एंड क्लीन इट। लैरिंग्स। द लैरिंग्स आर साउंड बॉक्स इज लोकेटेड इन द नेक। एयर फ्रॉम द नोज पैसेज थ्रू द फेरिंग्स इन टू द लैरिंग्स बिफोर इंटर टू इन टू द ट्रैकिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है उसका थर्ड पार्ट, ट्रैकिया। ट्रैकिया इज ऑल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजियस रिंग। द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लोटिस विच इज कवर्ड बाय अ फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। द ग्लोटिस इज क्लोज द ग्लोटिस ड्यूरिंग स्वॉलोइंग दिस स्टॉपिंग द फूड फ्रॉम इंटरिंग इन टू द ट्रैकिया। ब्रोंकाई। The trachea divided into two bronchus in which chest cavity called bronchi. Each bronchus enter into the lungs and divided into the smaller tube called bronchioles which open into air sac called alveoli. These alveoli provide a large surface area of exchange of gases between the blood and the air. नेक्स्ट आपके पास नंबर 5 आ जाता है, लंग्स। लंग्स आर पेयर ऑफ होलो स्पंजी ऑर्गन लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी ऑन द आइदर साइड ऑफ हार्ट। लंग्स आर कनेक्टेड टू द फेरिंग्स एंड ट्रेकिया। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इनसाइड एल्वोलाइल विच इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। थैंक यू क्लास, लाफ इज नीट एंड क्लीन। अपना होमवर्क डन कीजिएगा कॉपी पर।